यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में लगातार गायों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिस कारण विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और गायों के मरने का कारण भूख और प्यास बताई जा रही है। और इतने बड़े मुद्दे को लेकर के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का असंवेदनशील बयान सामने आया है। ओपी धनखड़ ने गाय की मौत को सार्वभौमिक सत्य बताया है और धनखड़ ने कहा कि मौत होना तय है और गायों की उम्र 15 साल होती है। धनखड़ ने यह भी बताया कि अभी उन्हें नहीं पता चला कि गाय किस कारण मरी है। सरकार तो गौशालाओं के लिए 20 करोड़ सालाना का बजट पास करती है। तो यहाँ पर गायों की मौत पर बीजेपी नेता ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है, जो कि गैर जिम्मेदाराना बयान है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि 20 करोड़ बजट दे रहे हैं गायों को, लेकिन फिर भी गाय मर रही है। और गायों के मरने की भी एक सीमा होती है, सभी को किसी न किसी समय तो मरना ही होता है। मनुष्य की भी है और पशु की भी है। अगर उम्र से मृत्यु हो रही है तो सहज स्वाभाविक मृत्यु है। गाय की उम्र 15 साल होती है और अगर किसी चीज़ की कमी के कारण से मृत्यु हो रही है तो गौशालाएँ जानकारी देवे, उनको जिस भी चीज़ का अभाव है उसकी पूर्ति करेंगे। मेरी जानकारी में नहीं है जो आप बात बता रहे हो, लेकिन गौशालाएँ जानकारी देंगे तो उसके लिए गौ सेवा आयोग बनाया हुआ है और गौ सेवा आयोग को 20 करोड़ रुपये का सालाना बजट दे रहे हैं गौशालाओं की मदद करते हैं। मैं अकेला हरियाणा में ऐसा मंत्री जिसने 5 करोड़ रुपए अब तक 4 वर्षों में गौशालाओं को सहयोग किया है।